गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो भाई, सुबह 4 बजे को हम स्कूल भेज चुके हैं। 4 बजे को स्कूल भेजने के बाद मम्मी गई हैं वापस सो, क्योंकि वो रात भर कहती मैं सो नहीं पाई। मतलब मम्मी के साथ होता ही है, वो सो नहीं पाती। मतलब रात को खास करके दिन में सोई ना सोई नहीं तो रात को मतलब नींद नहीं आ पाती उन्हें। तो फिर मैं सुबह लेट ही सोई थी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब सो जाओ। तो मम्मी रही हैं सो, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। 4 बजे को स्कूल भेज दिया है। मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में, मतलब अपना नॉर्मल झाड़ू पोछा में भी कोई साफ़ सफाई नहीं। जो मेन जो साफ सफाई थी, मतलब वो हमने कर ली है बस। अब ये पर्दे धो चुके थे, बट एक बार ये पर्दे वर्दे धोने हैं। एक बार दीवार से थोड़ा सा आसपास धो देंगे। ऊपर मेरे रूम के पर्दे भी रह रहे हैं, वो हो गया। और किचन रह रही है, तो मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रही क्योंकि मुझे हो जाती है एलर्जी, और इस टाइम मैं दवाई भी नहीं ले सकती। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा अभी परहेज कर रही हूँ। मम्मी भी अभी किसी चीज़ में घुसने नहीं दे रही मुझे। और मोस्टली जो रेत, मतलब वही ना धूल मिट्टी का काम है, मम्मी बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही उसमें, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई ना तो फिर कंट्रोल में नहीं आती, फिर मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं सोची पहले करवा चौथ का त्यौहार हो जाए, मतलब वही व्रत अपना कर लूँ, उसके बाद लगूँगी मैं किसी काम में। तो मास्क अपना धो के तैयार रख रखा है, कुछ अगर करती तो मास्क लगा के काम करती हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे एलर्जी होती ही होती है। तो थोड़ा सा डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो भी पता नहीं बाद में ही हुई है, अभी पहले तो बचपन से तो कभी थी नहीं ऐसी, तो वो चीज़ है। तो मैं पहले फटाफट, तो मम्मी सो रही है, मैं काम निपटाती हूँ, फिर अपने ऊपर का पोर्शन साफ़ करती हूँ, जब तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ नीचे का। और फिर बस एक दिन रह रहा है करवा चौथ में, तो आज है फ्राइडे। और हस्बैंड जी मुझे साड़ी भी देनी है, अगर एक दिन में कोई, मतलब आज कल में चाहे उसी दिन नहीं, संडे तक कोई अगर लगा के दे दे फॉल, तो देखती कोई करता है कि नहीं। मम्मी अभी सो के उठी है, तो फिर मम्मी से कहूँ तो साड़ी दे के आए। तो भाई साड़ी पीछे रखी है, तो हस्बैंड जी लाए थे ये बनारस से। तो इसको मैंने पहले, मैं सूट ही पहन रही थी, मेरा सूट सिल के आ भी चुका है, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल के चक्कर में। बट अब वो वहाँ से लेके आए, तो मैंने कहा चलो उसे तैयारी करवा लिया जाता है। अब इतने मन से वो बनारस से लेके आए हैं, तो ब्लाउज़ रेडी नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी कोई फ़ायदा भी नहीं ब्लाउज़ रेडी करवाने का, क्यों इमरजेंसी मेरी टेलर सिल देगी मुझे इतना पता है, बट अभी नहीं। मैं बस गोल्डन ब्लाउज़ है उस पर ही डाल लूँगी, बाद में अगले साल देखूँगी जब रेडी कराऊँगी ब्लाउज़ को। बट अभी मैं सिर्फ साड़ी को रेडी करवा रही हूँ जो मैं करवा चौथ पर डाल सकूँ। तो चलिए फटाफट से पहले लगते हैं काम पे, फिर जब मम्मी उठती हैं तो मम्मी के साथ पहले मम्मी उसको साड़ी लेके, मतलब चाय वाय दे के, ये नहीं उठते ही भगाऊंगी, साड़ी लेके फिर मम्मी को चाय वाय पी लेंगी ना, तब मम्मी से कहूँगी जाके बगल में ही है भाभी, तो वो फॉल पिको करते, तो उनके पास दे के आऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले अपना झाड़ू पोछा वगैरह निपटाती हूँ, फिर जाती हूँ अपने पोर्शन को साफ़ करने ऊपर। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सो भाई, मैं नहा के आ चुकी हूँ, जोत बत्ती मैंने कर ली है, मम्मी जस्ट अभी सो के उठी हैं, तो मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं। पीछे देख सकते हैं, ये देखिए मम्मी के लिए बन रही है चाय। पतिदेव बीच में ही उठ गए थे जब मैं यहाँ से नीचे से काम करके अपने ऊपर पोर्शन में गई थी, तो वहाँ जब कई काम करने तो हस्बैंड जी उठ चुके हैं, तो उनको मैं चाय वाय दी आई थी जब ही। फिर उसके बाद नहाई धोई, अपना जोत बत्ती करी, इतने फिर मम्मी भी उठ गई। तो मम्मी गई हैं अभी बाहर, करवे वाले आ रखे हैं तो करवा लेने के लिए गई हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, दिन भी ठीक है, तो फिर मम्मी इसलिए करवा लेने गई हैं। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उन्हीं से ही करवा लेती हूँ, मैं और कहीं से नहीं लेती। वो गली में आते हैं, कुमार अंकल आंटी दोनों ही आते हैं, तो उनसे ही करवा लेते हैं हम। जोत बत्ती मैं कर चुकी हूँ, और यहाँ देखिए, यहाँ मम्मी ले आई हैं ये करवा छोटू सा, तो ये देखिए मम्मी करवा ले आई, ये सीके भी ले आई हैं, अभी सब लेके आई हैं। उसके बाद अब बस चाय दे देती हूँ मम्मी को, उसकी मम्मी अभी नहाएंगी धोएंगी, नहा धो के फिर हम जाएंगे बाहर, छोटा मोटा सामान जो लाना होता है वो लाने। तो चलिए मैं अभी बाल बाल सुखा लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। फिर इतनी देर में 4वीं का भी टाइम हो जाएगा आने का, फिर आपको उससे मिलवाती हूँ शैतान से। 4वीं स्कूल से आके चेंज करके, और ये खा, अरे खा भी ली, 4वीं खा रही थी पापड़ी और चटनी गोलगप्पे वाले से लेके, और ये देखो तो कैसे फैलावा करके बैठी है। हाँ, अपने कपड़े चेंज करके, और अब कल 4वीं की है, अब 2 दिन की छुट्टी, अब इसे डस्टबिन में फेंकाओ। ये लेटी है मम्मी, मम्मी को जाना है मामी की शॉपिंग करवाने। मेरे पैर में दर्द वैसे ही है। हाँ, इतने पैर से दिक्कत हो रही, सूजन सी आ रही है पैर में। आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, बताओ कौन सी। मैं तो आज मैम ने हमारी एक्टिविटी करवाई थी, ऊपर का फेस ब्लैक कलर का और जो नीचे की बॉडी थी वो ग्रीन कलर।
उसमें हमने मैम ने कटिंग करके बनाया था, और फिर उसमें हमने आधा आधा यूज कर लिया था, आधा छोड़ दिया था, और पूरा ग्रीन कलर इतना लंबा ले लिया, और इतना बड़ा यूज कर लिया। फेस इतना छोटा और उसकी बॉडी इतनी बड़ी, और फिर हमने ब्लैक कलर से ऐसे गोल गोल सर्कल करके चले गए स्लिप पे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसके बॉडी, कैट की बॉडी पे ही ग्लू लगा के और अपनी उंगली से ग्लू लगाया उस पूरे में। फिर ऐसे दो ऐसे एक हाथ वन हाथ से ऐसे पूरे में फैला दिया, ऐसे करके पूरे में ऐसे फैला दिया। फिर मैंने सबको दो 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 करके बुलाया, उस पे वो चिपकाने थे जो ऐसे ऐसे बॉल्स करके बनाए थे हमने ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर के सर्कल्स बनाए थे, हाँ उसको ऐसे ऐसे चिपकाना था। फिर वेदिका हमसे कट्टी हो गई थी। अब इसकी कहानी है कल तक चलेगी। ये ऐसे ही बोले है भाई, बहुत धीरे धीरे बोलती है, 1 साल तक कहानी बताती है लड़की। बस खत्म दीदी माँ और मैंने, खत्म। सारे बच्चों ने एक एक करके लगा दिए, हमने भी लगा दिए, मेरी गाने भी, बस बहुत लंबा हो जाएगा, हमने लगा दिए, बस कर। सुबह ही हो गई हूँ मैं तैयार, आप देख सकते हैं ये सूट जब 4वीं होने वाली थी तो 4वीं के होने से 5 दिन पहले पहना था। तो ये जब का है, ये जब से आज पहना है। ये चुन्नी अभी मैंने पहन निकाली है इसके ऊपर। तो भाई मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर जाए हुए राखी पे ही घर गई थी, पहले चली जाती थी, अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऑटो ऑटो में जाने के लिए, तो इस चक्कर में। तो फिर अब 4वीं भी काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो मैंने कहा 5 देर पापा आ जाए फिर चलेंगे। तो अब हस्बैंड जी के साथ अब हम लोग जा रहे हैं शाम को घर थोड़ी देर के लिए, इसको भी घुमा लेंगे थोड़ा सा। मेरी मम्मी मम्मी पापा भैया भाभी सबसे मिलाऊंगी, और करवा चौथ का ऐसा कुछ सामान लाना नहीं था, मेहंदी लगानी नहीं है, इंस्टेंट वाली लगाऊंगी, वैसी मेहंदी मैं लगा नहीं सकती। मैंने भी लगाई थी पर मिट गई, कोई बात नहीं फिर लगा देंगे। तो चलिए सामान वामान रख लिया है गाड़ी में, अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। ये देखो मैडम भी तैयार हो गई है हमारी, कहाँ जा रहे हो नानी क्या? ओह ओह तो भाई घर पहुँच चुके थे, घर पहुँचे तो इधर मम्मी ले रही थी करवे, और यहाँ 4वीं वेट कर रही है अपनी मामी का, जब से आई है ग्रिल पे खड़े होके कि मामी कब आएगी मेरी। ये देखो चीनू ने क्या हाल मचा रखा है, और ये देखो आज ये नानी के गई थी, आते ही बखेरा बखेर दिया है, और ये देखो मोमोज की पार्टी चल रही है। अरे भैया ये मोमोज खा रही है, कितनी खुशी से खा रही है, चुपके से खा रही है, क्योंकि वो पति देव के आने से पहले पहले वो नहीं खाने देता, नहीं वो नहीं खाने देता ना। ये देखो अभी लेने गया है प्राइज वगैरह, वो है ना मोमोज खास कर नहीं खाने देता, वेज वाले वो भी। हाँ चलो आगे दिखाते हैं, दिखा दोबारा मेहंदी। ये देखो मेहंदी लगवाने आई है करवा चौथ की स्पेशल डिजाइन। हाँ अरे ये बैठे इसका हस्बैंड, ये फल फ्रूट रखे वो मेरे खाने के लिए खा रही हो खाने ना, ये खाएगी। हाँ नंबर भेजो किस पे, पैसे भेजने इस पे, ये अभी लगाएगी इस पे, मैं कह रहा हूँ अभी वो मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, कमर दुखी बैठे बैठे इसकी। हाँ ये टहल रही है पानी पीती है, गूगल पे कर तूने दूध पी रही। हाँ अरे भैया इनकी मेहंदी हो गई है पूरी, नीचे हाथ करो। हाँ लाइट लगा दे, ये देखो हाँ अभी दोनों तैयार। रात के कहाँ हो, एक बज रहा रात का, एक बज रहा है, मेरी रात में करवा चौथ सुबह का है, ड्यूटी अभी लगा दी मेरी। और मेहंदी लगाने वाली की
ये देख बेचारी दुखी होकर लगाई एक बजे तक मेहंदी लगा रही है। आज तो यो इसने डिजाइन डिजाइन बनाने में ऐसी लग गई आज। यो भी दुखी हो गए, मैं भी खुद दुखी हूं। मेरी कमर दुखन लग गई, उसके पेट दुखन लग गया। बैठो सुबह मेहंदी लगवा के मामी तो गई घर, रात के बज रहे हैं एक। अब मैं भी चली सोने, सामान सारा आ चुका है, सारी तैयारी मम्मी ने कर दी है। अब आ रही है नींद बहुत जोर के, क्योंकि कल व्रत है तो टाइम से उठना है। एक पता नहीं क्यों हमेशा व्रत के टाइम पे गला पता नहीं क्यों ख़राब होता है, ये समझ नहीं आता। अब गले में यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, सब कुछ कर लिया था। अब तो चलिए जाके पहले करती हूँ आराम, क्योंकि आज पूरा दिन यूँ ही ऐसे ही चला गया है, बैठ के बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ। मेहंदी लगाऊंगी कल इंस्टेंट वाली, क्योंकि वैसी मेहंदी मैं लगवा नहीं सकती, तो अब लगाऊंगी इंस्टेंट वाली मेहंदी। तो वो मम्मी ले आई थी, तो वो बस तैयार होने के बाद जस्ट मम्मी तुरंत ही लगा देंगी, वो गोल गोल सी, और वही लगा लेंगे चंदा वाली मेहंदी। तो चलिए अब करते हैं आराम, मिलते हैं आपको कल करवा चौथ की व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, मुस्कुराते रहे, हमें देखते रहे, बाय। बाकी जो होगा आपको कल दिखाएंगे।